Details of offences and penalties under FSS Act 2006. So, in this video, you will understand about different kinds of offences and the kind of penalty. So, the section 50 says that if you are selling food that is not क्वालिटी डिमांडेड बाई परचेजर, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं जो कि फूड दे रहा है वो क्वालिटी डिमांड के हिसाब से, परचेजर के डिमांड के हिसाब से नहीं है, तो सेलर को 25,000 रुपये का फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा। देन सेक्शन 51 सब स्टैंडर्ड फूड, तो इसमें भी सेलर को या स्टोरेज करने वाले को, डिस्ट्रीब्यूटर और इम्पोर्टर को कितना रुपये का फाइन लगेगा? 5 लाख रुपये का फाइन लग सकता है। देन सेक्शन 52 इफ़ यू आर सेलिंग मिसब्रांडेड फूड दैट दैट इज़ टू सेलर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर, इम्पोर्टर, इन दैट केस मे बी इट एक्सटेंड अप टू 3 लाख रुपीज इफ यू आर सेलिंग मिसब्रांडेड फूड। उसके बाद सेक्शन 53 में क्या बोलते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो कि आप एक फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा ये हमारा फूड है, इसको खाने से आपका हाइट बढ़ जाएगा और ऐसा कुछ फॉल्स क्लेम कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, तो उस टाइम क्या होगा, पब्लिशर को और जो पर्सन इन्वॉल्व होता है पब्लिशिंग में उसको कितना फाइन लगेगा ना, एक्सटेंड अप टू 10 लाख रुपीज़, 10 लाख तक फाइन लग सकता है अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 54 फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर। अगर आपके फूड में एक्सट्रेनियस मैटर है, जैसे कि राइस में हो गया कुछ आयरन फिलिंग्स और कुछ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, वो एक्सट्रेनियस मैटर में जाता है, जो कि फाइन लग सकता है किसको ना, मैन्युफैक्चरर को लग सकता है, सेलर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, इस सबको, और उस फाइन कितना होगा ना, 1 लाख रुपये तक हो सकता है। देन सेक्शन 15 के हिसाब से क्या होगा, फेल्योर टू कंप्लाई विथ डायरेक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी और रिलेटेड पर्सन्स कमिंग फ्रॉम फूड अथॉरिटी, सो इट विल बी इम्पोज टू फूड बिजनेस ऑपरेटर, FBO को फाइन लग सकता है और उसमें फाइन कितना आएगा ना, 2 लाख तक आ सकता है। देन सेक्शन 56 इफ़ यू आर सेलिंग अनहाइजीनिक और अनसेनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर, आपका जो Schedule 4 रिक्वायरमेंट है अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो उस मैन्युफैक्चरर और प्रोसेसर को 1 लाख तक फाइन आ सकता है। देन सेक्शन 57 प्रोसेसिंग फूड एडल्ट्रेंस, आप अगर फूड एडल्ट्रेंस रखते हैं जैसे कि दाल को मिक्स करने के लिए केसरी दाल और सम कलर डाइज, तो उसको फाइन लग सकता है कितना, अगर वो एडल्ट्रेंट्स इंजूरियस टू हेल्थ है तो उसके लिए आपको 10 लाख देना पड़ेगा, अगर नॉन इंजूरियस है तो 2 लाख देना पड़ेगा। इसके लिए मैन्युफैक्चरर, सेलर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टर, ये सब लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन सेक्शन 58 में क्या है ना, अगर आप कोई भी स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड उसको आप कंट्रावेनिंग करते हैं, फॉर कंट्रावेनिंग वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड, नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज गिवेन, तो एनी पर्सन कंट्रावेनिंग द फाइन विल बी अप टू 2 लाख रुपीज़। अगर आप एक कंट्रावेनिंग करते हैं, मीन्स आप एक ऑफेंस करते हैं, उसके लिए कुछ भी पेनल्टी अभी तक एक्ट में नहीं दिया गया है, तो उसके लिए फाइन 2 लाख तक हो सकता है। देन सेक्शन 59
पुनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड, अनसेफ फूड के लिए आपको पुनिशमेंट करा किया जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, सेलर हैं, स्टोरेज हैं वाला हैं, डिस्ट्रीब्यूटर इंपोर्टर हैं, तो उसके लिए आपको अगर अनसेफ फूड नॉन इंजूरियस है तो इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड अप टू हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा। और फाइन कितना होगा ना, एक्सटेंड अप टू 1 लाख। अगर आपके पास अनसेफ फूड है और आप मैन्युफैक्चरर, सेलर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर हैं, नॉन ग्रीवियस इंजरी, इंजरीज है किंतु ग्रीवियस नहीं है, तो उसके लिए आपको 3 लाख रुपये का फाइन होगा और 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट या 1 साल के लिए जेल हो सकता है। देन ग्रीवियस इंजरी, इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड अप टू 6 ईयर्स, 6 साल के लिए जेल हो सकता है और एक्सटेंड अप टू 5 लाख्स, इम्प्रिजनमेंट 6 साल और 5 लाख तक फाइन हो सकता है। अगर अनसेफ फूड डेथ रिजल्ट करता है तो उसके लिए आपको 7 साल तक जेल हो सकता है और नॉट लेस देन 10 लाख्स रुपीस। देन उसके बाद आता है सेक्शन 60, इंटरफेरेंस विद सीज्ड आइटम्स। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर सीज कर दिया है आपका प्रोडक्ट, उसको इंटरफेरेंस करना है, इंटरफेरेंस कर दिया है, तो उसके लिए आपको 6 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 2 लाख तक फाइन भी हो सकता है। अगर सीज्ड आइटम को उस कोई भी उसको डैमेज कर सक, उसको छेड़छाड़ करेगा तो। देन 61, प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एनी पर्सन टू डायरेक्टर, सो डायरेक्टर मैं एक्सटेंड अप टू 3 महीने के लिए, अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो 3 साल के लिए जेल और दैट विल एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज। ऑब्स्ट्रक्शंस, देन 62, ऑब्स्ट्रक्शन और impersonations of FSO without reasonable excuse। तो कोई भी अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर को विरोध करेगा, उसको impersonate करेगा, तो 3 साल तक के लिए आपको फाइन, जेल हो सकता है और 1 लाख तक फाइन हो सकता है। एंड 63 क्या बोलता है, कैरिंग ऑन बिजनेस विदाउट लाइसेंस एनी persons और फूड बिजनेस ऑपरेटर जो कि बिजनेस कर रहा है बिना लाइसेंस के लिए, तो 6 महीने तक का फाइन, जेल हो सकता है और 5 साल तक 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। बट इसके लिए हम पीटी मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, पीटी फूड बिजनेस मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। देन सेक्शन 64, सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस, अगर आप बार बार ऑफेंस को रिपीट कर रहे हैं तो दैट केस में क्या होगा, ट्वाइस द पुनिशमेंट विच माइट हैव बीन इम्पोज ऑन फर्स्ट कन्विक्शन सब्जेक्ट टू पुनिशमेंट बींग मैक्सिमम। तो जितना पहले आपको उस पर्सन को पुनिशमेंट मिला है वो डबल हो जाएगा उस पुनिशमेंट को। देन फर्दर फाइन ऑन डेली बेसिस विच मे एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज वेयर ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन। ओके, देन प्रोवाइडेड फॉर सेम ऑफेंसेस लाइसेंस शैल बी कैंसल, लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड इफ यू आर डूइंग द ऑफेंस रिपीटेडली। सो थैंक यू ए लॉट।